कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम बाइट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो HTET हो, UPTET हो, DSSSB हो या फिर KVS हो। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो चलिए आज हम इसको कुछ ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, ताकि लॉन्ग टाइम तक आप लोगों को ये याद रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड या फिर फ्रेज़ होता है जिसमें किसी भी चीज़ का जो मीनिंग होता है हम उसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, उसकी ब्यूटी को या फिर उसके इफ़ेक्ट को एनहांस करने के लिए। और सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो आभूषण इसका मीनिंग होता है, मतलब जैसे कि कोई भी वुमेन होती है उसकी जो ब्यूटी को वो अपने एनहांस करने के लिए ज्वेलरी का यूज़ करते हैं। इसी तरह जो पोएट्स होते हैं वो अपनी पोएट्री को ब्यूटीफाई करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी जो पोएट्री है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है, क्योंकि वो इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जिससे कि वो उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं करते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच के थ्रू वो अपनी बात को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लोगों तक पहुंचा पाते हैं। ओके, अब चलते हैं इनके टाइप्स की तरफ। तो इनके टाइप्स बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन आज हम कुछ मेन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जिनसे एग्ज़ाम क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसकी ट्रिक ये है शैम्पू। अब देखिए, शैम्पू एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो अगर आप कभी भी इनके नाम अगर भूल जाते हैं तो शैम्पू के थ्रू आप इनके सीक्वेंस को और साथ ही साथ इनके नामों को याद रख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं शैम्पू में? सिमली, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन एंड ओनोमेटोपोइया। तो आज की वीडियो में हम नॉर्मली सिर्फ इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, चलते हैं सिमली की तरफ, जो हमारा पहला फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको हिंदी में उपमा अलंकार के नाम से भी जानते हैं। और इसकी पहचान है जिन भी सेंटेंसेस में लाइक और एज का यूज़ होता है वहाँ पर हमारा सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। ओके, और नॉर्मल सा जब भी हम किसी दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं तब हमारा वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हर लिप्स आर लाइक अ रेड रोज़। तो यहाँ पर किसी भी गर्ल के जो लिप्स हैं वो रेड रोज़ से उनका कंपैरिजन किया जा रहा है, उसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने लाइक का यूज़ किया है। हम डायरेक्ट वे में किसी चीज़ को यहाँ पे नहीं कहते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट वे में हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं। उसी तरह एज़ वाइज एज एन आउल, हमने किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का आउल से कंपैरिजन किया है, उसको वाइज बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसीलिए एज़ का यूज़ किया है। इसी तरह लाइक पीस इन अ पॉड, तो हम दो चीज़ों को जब आपस में कंपेयर करते हैं इनडायरेक्टली तो वहाँ पर हम सिमली का यूज़ करते हैं। तो इनकी पहचान बस इतनी है कि जिस भी सेंटेंस में आपको लाइक और एज मिल जाए तो आप आँख बंद करके सिमली को करेक्ट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हाइपरबोल, जिसको हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से भी जानते हैं। इसकी सिंपल सी पहचान है कि जब हम किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं उसके इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए, तब हमारा वहाँ पे हाइपरबोल होता है। जैसे एग्जांपल है, आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 times, मतलब मैंने तुम्हें 1000 बार रुकने के लिए कहा था। तो इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें इतनी बार रोका लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं। अब यहाँ पर इतनी बार उसने इस बात को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए 1000 time का यूज़ कर लिया। अब जाहिर सी बात है, हम किसी भी बात को जब कहते हैं तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है वो अपनी बात को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देने के लिए 1000 time का यूज़ कर रहा है। उसी तरह दैट मस्ट हैव कॉस्ट $1 billion, मतलब किसी चीज़ को महंगा या कॉस्टली बताने के लिए उसको $1 billion की बराबर महंगा बताया जा रहा है, इसीलिए ताकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस बात को इफेक्टिव बनाने के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ का कॉस्ट $1 बिलियन के बराबर कर दिया है। तो आई होप इन एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ गए होंगे कि हाइपरबोल में सिर्फ इतना होता है जब हम किसी भी बात को एग्जैगरेट कर देते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एलिट्रेशन, जिसको अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। और इसकी पहचान है जब किसी भी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर लेटर का या पर्टिकुलर वर्ड का रिपीटिशन होता है पूरे सेंटेंस में, तब वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। जैसे शी सेल्स सी शेल्स, यहाँ पर एस जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है पूरे सेंटेंस में। और इसमें ये है कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस के थ्रू तो एक आइडिया लग जाता है, और पढ़ते के साथ ही हमें ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर एलिट्रेशन है, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, बल्कि सेंटेंस पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर लेटर बार बार रिपीट होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है वॉल्टर वंडरर वेयर विनी वॉल्स। अब देखिए, यहाँ पे हमें अगर कुछ भी नहीं पता है ना कि क्या होता है, क्या कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है एग्ज़ाम में जहाँ पर ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं एक पर्टिकुलर लेटर या कोई वर्ड, तो आप नॉर्मली एलिट्रेशन ही मानिए उसको, क्योंकि एलिट्रेशन में ही एक पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर लेटर का रिपीटिशन होता है थ्रू आउट द सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मेटाफर, जिसको रूपक भी कहते हैं, रूपक अलंकार। और इसकी पहचान है कि दो अलग अलग चीज़ों का जब आपस में कंपैरिजन होता है तब हम उसको रूपक अलंकार कहते हैं या फिर मेटाफर कहते हैं। जैसे हार्ट ऑफ स्टोन, अब देखिए यहाँ पे दो ऐसी चीज़ों को लिया गया है जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे हार्ट जो है वो हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है, और जहाँ स्टोन है वो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो यहाँ पे लेकिन आप हम अपनी बात को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कह रहे हैं कि उसका दिल जो है वो पत्थर का है। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी का दिल पत्थर का हो ही नहीं सकता, लेकिन हम उस पर्टिकुलर पर्सन की बुराई करने के लिए, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये बात बोल रहे हैं कि उसका दिल जो है वो पत्थर का है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे उस बात को इफ़ेक्टिव बनाया जा रहा है। इसी तरह टाइम इज़ मनी, टाइम और मनी का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन टाइम की इम्पॉर्टेंस को बताने के लिए मनी का यूज़ किया गया है, क्योंकि मनी हम सबकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसीलिए मनी का यूज़ किया गया है टाइम को बढ़ाने के लिए या फिर उसकी इम्पॉर्टेंस को बताने के लिए। उसी तरह द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, मतलब दुनिया को मंच की तरह बताया गया है, जबकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वही यहाँ पे जो कहने वाला है उसका जो मोटिव है वो यही है कि वो इन सेंटेंसेस के थ्रू अपनी बात को बहुत इफ़ेक्टिव वे में कह रहे हैं ताकि लोग उससे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एम्फेसाइज हो पाएँ। ओके, तो मेटाफर में सिर्फ ये है कि हम डायरेक्ट वे में किसी बात को कह देते हैं, बल्कि डायरेक्ट हम कंपैरिजन करते हैं। सिमली में क्या होता था, हम इनडायरेक्ट वे में कंपैरिजन करते थे दो चीज़ों का, लाइक और एज़ का यूज़ करके, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट इज़ के थ्रू डायरेक्ट वे में बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम मानवीकरण भी कहते हैं। अब देखिए, मानवीकरण से ही पता लग रहा है कि इसमें ह्यूमन बीइंग्स का कहीं ना कहीं यूज़ है, मानव का, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं ना, उनको हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं, मतलब उनको ऐसे कंसिडर करते हैं जैसे वो लिविंग थिंग्स हों। ओके, जैसे एग्जाम्पल है द फ्लावर्स नॉडेड, मतलब जो फूल थे या फ्लावर्स थे वो हिल रहे थे। अब देखिए, फ्लावर्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, वो हिल नहीं सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कहने वाला है, या मैं मान लूँ अगर पोएट ही है कोई, तो वो अपनी बात को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ कर रहे हैं, नॉडेड वर्ड का, मतलब कि उसको वो इस तरह से कह रहे हैं जिससे कि लगे कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, लेकिन रियल में फ्लावर्स एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अपनी बात को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे पोएट ने इस बात का यूज़ किया है। इसी तरह द स्नो फ्लेक्स डांस, स्नोफॉल होती है, उसमें देखिए क्या होता है कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ गिरती है, तो उसमें जो कहने वाला है वो अपनी बात को नॉर्मली ना कह कर के स्नोफॉल हो रही है, वो इस तरह से कह रहा है कि स्नोफ्लेक्स जो है वो डांस कर रही हैं,
बात का मतलब एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग है। तो यही हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें हम अपनी बात को अलग तरह से कहते हैं जो नॉर्मली कहा जाता है उससे थोड़ा सा हटकर। इसी तरह द विंड हाउल्ड मतलब कि जो हवा है वो चीख रही है। अब चीखना वर्ड तो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि वो तो एक ह्यूमन करते हैं चीखना वगैरह, या कोई भी लिविंग चीज़ होती है, लेकिन विंड जो है वो नॉन लिविंग है। लेकिन चीखना वर्ड से यहाँ पे पता लग रहा है कि हम इसको परसोनिफाई कर रहे हैं अपनी बात को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो परसोनिफिकेशन में बस यही है कि जब अपनी बात को नॉन लिविंग चीज़ में हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं तो हम वहाँ पे परसोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीमोरॉन, जिसको विरोधाभास भी कहा जाता है। इसमें दो कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स को यूज़ करते हैं बात को इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करने के लिए, जैसे डार्क लाइट। अब यहाँ पे डार्क एक अपने आप में एक घनी चीज़ है, एक गहरी चीज़ है, और जो लाइट है वो तो लाइट है ही। तो यहाँ पर इन दोनों, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, एक दूसरे को अपोज करती हैं। लेकिन इस बात की जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर बताई जा रही है कि लाइट इतनी ज़्यादा डार्क है, यानी कि इतनी ज़्यादा गहरी है, इतनी ज़्यादा घनी है, उसके थ्रू हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो डार्क लाइट उसकी इंटेंसिटी बता रही है कि वो बहुत डीप वाली लाइट है। ठीक है, तो दो कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स यूज़ हो रही हैं। उसी तरह ओरिजिनल कॉपीज़, अब कॉपीज़ जो हैं वो अपने आप में एक दूसरे की कॉपीज़ हैं, मतलब कि सेम चीज़ें होती हैं। और ओरिजिनल यहाँ पे ये लगाया कि वो बिल्कुल क्लोन है, उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, वो इतनी ज़्यादा आइडेंटिकल है कि कोई एक छोटा सा डिफरेंस भी उनमें नहीं है। तो ओरिजिनल और कॉपीज़ दोनों ही एक दूसरे की विरोधी हैं, लेकिन इस बात के इंटेंसिटी को बढ़ा रही हैं। एग्जाम्पल है, जैसे एक और, सडनली द रूम वॉज फिल्ड विद डीफनिंग साइलेंस, मतलब अचानक से जो कमरा था वो गहरी चुप्पी से भर गया। अब देखिए, चुप्पी अपने में ही एक गहरा वर्ड है, मतलब जब हम चुप होते हैं तो गहरी होती है हमारी सोच उस वक्त, और हमने गहरी भी गहरा भी यूज़ कर लिया वहाँ पर, की मतलब कि जो सुनाई ना दे, इस तरह का हमने वर्ड यूज़ करा ताकि उस बात को, या फिर हम जो साइलेंस है उसकी डेप्थ में चले जाएँ कि इतना डीप साइलेंस था उस रूम में कि मतलब कि उसको कोई मेजर नहीं कर सकता। तो इस बात से हम विरोधी वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीमोरॉन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको भी ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं ओनोमाटोपोइया की। अब ओनोमाटोपोइया कुछ ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप समझ लें तो। इसमें क्या होता है, जो वर्ड होता है कोई, उसका जो साउंड होता है उसके मीनिंग के थ्रू हम मेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जो एनिमल्स होते हैं या पर्टिकुलर जो बर्ड्स होते हैं उनके अपने अपने अलग अलग साउंड्स होते हैं। जैसे जो आउल होता है उसका अपना साउंड है, कैट का अपना साउंड है, इसी तरह हर बर्ड और हर एनिमल के अपने अपने अलग साउंड होते हैं, जिनके साउंड्स के थ्रू हम ये बात डिसाइड कर पाते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, कोई एक डार्क रूम है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है वहाँ पर, और वहाँ पर एक कैट मौजूद है, लेकिन वो हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर उसने अपनी आवाज़ निकाली म्याऊं की, तो हम समझ जाएंगे उसको बिना देखे हुए भी कि भाई यहाँ पर इस रूम में एक कैट प्रेजेंट है। तो जब हमारे सामने कोई चीज़ ना भी हो लेकिन उनके साउंड्स के सुन करके जब हम ये डिसाइड कर पाएँ कि यहाँ पे कौन है, तो वही हमारा ओनोमाटोपोइया होता है, जिसमें हम साउंड्स के थ्रू पता लगा पाते हैं किसी भी बात का। तो वूश, बज, ग्राउल, क्रैकल, ये सभी साउंड्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी बात का मीनिंग समझ पाते हैं या पता लगा पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, क्वैक क्वैक वेंट द डक्स एज वी थ्रू देम आर स्टेल ब्रेड, जब हमने अपनी स्टेल ब्रेड डक्स को फेंकी तो वो क्वैक क्वैक करते हुए आ गए। अब देखिए, क्वैक क्वैक यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे डक्स की बात हो रही है, क्योंकि क्वैक क्वैक जो साउंड होता है वो डक्स का होता है, और किसी का भी क्वैक क्वैक साउंड नहीं होता। एक पर्टिकुलर बर्ड का या पर्टिकुलर एनिमल का जब कोई साउंड यूज़ किया जाता है किसी सेंटेंस में, तो उससे हम ये रिलेट कर पाते हैं कि किस बर्ड या किस एनिमल की बात की जा रही है। ठीक है, तो ओनोमेटोपोइया में सिर्फ हम किसी पर्टिकुलर वर्ड के साउंड से जब कोई बात मेकआउट कर लें या रिलेट कर लें, वही हमारा ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। आई होप ये सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको क्लियर होंगे।
मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की है, और वो ट्रिक शैम्पू आप ज़रूर याद रखिएगा, और बाकी क्वेश्चंस के थ्रू ये चीज़ें और ज़्यादा आपकी मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।